भोजपुरी देखे वाला सब दर्शक लोग के आजुकल बानी हम ममता तिवारी राउर पसंदीदा प्रोग्राम ओ वुमनिया के लेके हर बार के लेखा ए बार भी ले आई बानी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आज स्टार लोग से जुड़ल हर ताजा तरीन खबर के लेके जो जनला का बाद रोव सबके होखी बहुत खुशी। प्रोग्राम के अंत में ओ दर्शक लोग के मैसेज भी बताई ले जो हर कोई भेजला आपन आपन फेवरेट स्टार खातिर। मैसेज अंत में ना बताएं, पहले ही बता देता नहीं कुछ दर्शक लोग के, उकरा बाद हम खबर बताएं। देखी दोनों लोग के मैसेज करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एक खास प्रोग्राम में आगे बढ़े खातिर हम कुछ खबरों लेके आई बनी जे स्टार लोग से जुड़ल बा, तो वो खबर पर पहले नजर डाल लेवे के देखी। भोजपुरी फिल्मों के युवा स्टार और सबसे ज्यादा स्टेज शो का रिकॉर्ड बनाने वाले अरविंद अकेला कल्लू ने बेशक से अपने हाल के इंटरव्यू में अफेयर्स की खबरों को ये कहकर शांत कर दिया हो कि मेरा दिल किसी के लिए नहीं धड़कता, मेरे पापा मेरा दिल थाम लेते हैं, लेकिन अपने पापा के लाडले बेटे अब हो चुके हैं बड़े और करने लगे हैं अभी से फैमिली प्लानिंग, क्योंकि इन दिनों उन्हें बार बार नई एक्ट्रेस यामिनी सिंह के साथ जहां स्पॉट किया जा रहा है, तो वहीं यामिनी सिंह के साथ कल्लू की प्यारी प्यारी तस्वीरें भी दोनों शेयर करते हैं। हाल ही में कल्लू ने अपनी एक तस्वीर यामिनी सिंह के साथ शेयर की थी जिसमें उनके साथ दो बच्चे भी देखने को मिले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यामिनी कल्लू को प्यार से आरू कहकर बुलाती हैं। दोनों ने हाल ही में पत्थर के सनम की फिल्म की शूटिंग पूरी की है जहां सेट पर दोनों एक साथ काफी सारा समय बिताते नजर आए। हालांकि दोनों में से किसी ने खुलकर अपने रिश्तों को स्वीकारा नहीं है, लेकिन दोनों के नजदीकियों से फिल्मी गलियारों में भी फैलने लगी है ये खबरें। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल की फिल्म दबंग सरकार इन दिनों खूब कमाल दिखा रही है। इस फिल्म को रिलीज हुए 5 दिन बीत चुके हैं और शानदार रिस्पॉन्स अभी भी फिल्म को मिल रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म के दूसरे पार्ट की कहानी पर भी काम शुरू हो चुका है। जी हाँ, योगेश राज मिश्रा ने इसके दूसरे पार्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। फिलहाल कहानी पर ही काम चल रहा है, अभी अगले साल से इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। इस फिल्म के स्टारकास्ट पर सबकी नजरें बरकरार हैं ये जानने के लिए कि आखिरकार इस फिल्म में और कौन कौन से किरदार और स्टारकास्ट नजर आएंगे, लेकिन एक खबर हम तक उड़ते उड़ते पहुंच चुकी है कि खेसारी लाल के दबंग सरकार के दूसरे पार्ट में भी एक्ट्रेस दीपिका त्रिपाठी नजर आ सकती है। इस फिल्म में दीपिका के साथ खेसारी को पसंद किया जा रहा है। दोनों की जोड़ी पर जो गाना बना है वो लोगों को खासा पसंद आया। बता दें कि दीपिका त्रिपाठी नजर आएंगी फिल्म दबंग कार 2 में। खेसारी ने भी ऐसा कहा था कि दीपिका काफी मेहनती लड़की हैं और सेट पर अच्छा काम करती हैं। मां शांति एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही भोजपुरी फिल्म प्यार होता है दीवाना फिल्म में की शूटिंग मुहूर्त के साथ शुरू हो गई है। फिल्म का मुहूर्त मुंबई के भव्य तरीके से किया गया जिसमें फिल्म के कास्ट के साथ साथ इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर फिल्म में एज अ लीड रोल में नजर आने वाली एंजल गर्ल गुंजन पंत भी नजर आई। जी हाँ, और उन्होंने कहा प्यार होता है दीवाना सनम मैन को लेकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जी हाँ, मुझे ये फिल्म की कहानी बेहद पसंद आई है, उम्मीद है कि मेरी ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आएगी। वहीं आपको हम बताना चाहेंगे इस फिल्म के निर्माता बी एन यादव और शिवाजी सिंह है। फिल्म को राम यादव डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म के बारे में राम यादव ने कहा है कि फिल्म की कहानी रोमांस से भरपूर है, यह दर्शकों को प्यार के एहसासों से रूबरू करवाएगी। वहीं आपको ये भी जानकारी देते चले कि फिल्म का कहानी जो है वो किसी हिंदी फिल्म से कम नहीं, फिल्म की मेकिंग एक बहुत ही आधुनिक तौर पर की जाएगी और ऐसा कहा भी जा रहा है कि ये फिल्म काफ़ी शानदार तरीके से बनेगी। वहीं बता दें राम यादव निर्देशक के साथ साथ डीओपी का भी काम करेंगे। फिल्म में गुंजन पट के साथ साथ रोहित यादव, शुभि शर्मा और वंदना सिंह भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं। और कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को ये फिल्म का नाम सुनते ही हमारे बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान की फिल्म DDLJ का गाना जरूर याद आ जाता होगा। तेज प्रताप और ऐश्वर्या को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ गई है। जी हां, आज ऐश्वर्या को कोर्ट की तरफ से नोटिस भेज दिया गया है। तेज प्रताप यादव के तलाक की अर्जी पर पत्नी ऐश्वर्या को अपना पक्ष रखने के लिए फैमिली कोर्ट ने नोटिस भेजा है। कोर्ट ने
8 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है। तेज प्रताप के वकील यशवंत कुमार शर्मा ने बताया कि ऐश्वर्या को अपना पक्ष रखने के लिए प्रधान न्यायाधीश उमा शंकर द्विवेदी की कोर्ट ने सोमवार को नोटिस भेजा है। उन्होंने बताया कि हमें उम्मीद है कि कोर्ट आकर के वो अपना पक्ष जरूर रखेंगी। इससे पहले तेज प्रताप के वकील के अनुरोध पर 29 नवंबर को करीबन 3 बजे पटना सिविल कोर्ट के स्थित परिवार न्यायालय परिसर के एक बंद कमरे में सुनवाई हुई थी, जो करीब 15 मिनट तक चली। इस दौरान तेज प्रताप भी कोर्ट परिसर में मौजूद रहे। वहीं परिसर में मीडिया कर्मियों और रजत समर्थकों और वकीलों का जमावड़ा रहा और कुल मिलाकर के अब देखना तय ये है कि 8 जनवरी को होने वाली सुनवाई में ऐश्वर्या को अपना पक्ष रखना जरूरी है हो गया है कि वो अपनी तरफ से इस केस को लेकर अपना पक्ष या फिर अपनी तरफ से कोई नाराजगी या फिर अपनी तरफ से कोई भी बात रख सकती है। जी हाँ, और क्या कुछ ऐश्वर्या कहती है इस पर सभी लोगों की निगाहें जमी रहेगी। भोजपुरी सिनेमा की खूबसूरत हीरोइन अक्षरा सिंह ने कुछ समय पहले एक वीडियो शेयर किया था, जिस वीडियो में अक्षरा सिंह अपनी फिल्म लव मैरिज की शूटिंग के दौरान मस्ती करती नजर आई थी। देखिए जरा वीडियो। तो वहीं देखा जाए तो आज एक बार फिर से अक्षरा सिंह ने शूटिंग के बीच में मस्ती करते हुए नजर आई हैं और उन्होंने इस बार कुछ खास तस्वीरें साझा की हैं, जिन तस्वीरों में अक्षरा सिंह अपनी फिल्मों के बाकी के कलाकार के साथ फोटो शूट करते दिखाई दे रही हैं और ऐसा लग रहा है कि अक्षरा सिंह वाकई में फिल्म की शूटिंग कम और मस्ती ज्यादा करती हैं। तो आज के ओ वुमनिया से जुड़ल प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। काल फिर होगी मुलाकात ऐसा ताजा तरीन खबर और नया नया मैसेज का साथ, लेकिन तब तक खातिर हमरा के दी ही इजाजत। प्रणाम।